तो गाइस यार हम लोगों ने गाड़ी के अंदर सरवाइव कर लिया, हम लोगों ने आकाश के अंदर सरवाइव कर लिया, हम लोगों ने अंडरग्राउंड सरवाइव कर लिया, लेकिन आज से आज तक हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट हाउस बनाकर उसके अंदर पूरी की पूरी रात नहीं बिताई, पूरा दिन नहीं बिताया। तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रांसपेरेंट हाउस बनाने वाले हैं। तो गाइस जहाँ पर हम रहते हैं, घरों में रहते हैं, वो घर बनते हैं सीमेंट से, पत्थर से और मिट्टी से, लेकिन गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रांसपेरेंट घर बनाएंगे जिसके अंदर इस दीवार से दूसरी साइड हम लोग देख सकते हैं जबकि सीमेंट वाले घर में नहीं देख सकते। भाई लगभग वीडियो बनाते हुए हमें 4 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन यार हमने ट्रांसपेरेंट हाउस बनाने का कभी भी नहीं सोचा था। और आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है ये जो टेंट के पाइप होते हैं इस टाइप के पोल, उससे हम बनाने वाले हैं ट्रांसपेरेंट हाउस और उसकी ऊंचाई होगी लगभग 15 फीट, चौड़ाई भी 15 फीट और लंबाई भी 15 फीट। तो भाई कैसा होने वाला है वो ट्रांसपेरेंट हाउस, वो तो आपको आगे वीडियो में देखने को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जितने भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखे वो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमने लोहे के खंभों से यहाँ पर एक मस्त सा स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा कर लिया है और इन्हीं के बीच में अब हम लोग बनाएंगे ट्रांसपेरेंट हाउस। तो भाई ये प्लास्टिक लेयर होगी हमारे घर की दीवार, गाइस इसी प्लास्टिक लेयर की मदद से यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर चारों तरफ से ये लेयर बनेगी और उसके बाद तैयार होगा शानदार सा ट्रांसपेरेंट हाउस। तो गाइस यार पूरी की पूरी 48 घंटे की मेहनत के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है ट्रांसपेरेंट हाउस। तो भाई हमने हमारे ट्रांसपेरेंट हाउस को वैसे ही नहीं रखा बल्कि गाइस अच्छी तरीके से डेकोर किया, उसके अंदर काफी सारी पन्नी लगी है, काफी सारे गिद्दे बिछाए हैं और भाई अब आप लोगों का इंतजार करते हैं खत्म और आपको दिखाते हैं हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट हाउस। ट्रांसपेरेंट हाउस है वो किसी भी ईंट से सीमेंट से नहीं बना है, वो बिल्कुल पतली सी प्लास्टिक लेयर से बना है जो कि यार आर पार देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से भाई इतना बड़ा ट्रांसपेरेंट हाउस कभी भी किसी ने भी नहीं बनाया होगा। और यहाँ पर है रिबन, तो भाई रिबन काट देते हैं। रुको अभी शुभ मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त देखो, जल्दी देखो, जल्दी काटो। यहाँ पर राजस्थान के अंदर खतरनाक गर्मियों के अंदर 48 घंटे की जबरदस्त मेहनत के बाद तैयार हुआ ये ट्रांसपेरेंट हाउस। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, बाहर वाला अंदर देख सके, अंदर वाला बाहर देख सकते, नो प्राइवेसी, पूरे 24 घंटे तक हमारा घर यही होगा, यानी सब लोग हमें देख सकेंगे और हम सबको देख सकेंगे। तो अब अंदर से देखो आप यार किस तरीके का ये लग रहा है, ऊपर इसकी छत ट्रांसपेरेंट है, चारों दीवारें ट्रांसपेरेंट है, आगे का गेट ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, यानी कि हम हर चीज को यहाँ से इस घर के अंदर से देख सकते हैं। नॉर्मली घर के अंदर से जब हम बंद हो जाते हैं तो कुछ नहीं देख सकते, लेकिन यह एक ऐसा घर है जहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं। हम बाथरूम नहीं करेंगे इसके अंदर, अगर कर दिए तो पकड़े जाएंगे। तो भाई हमारे इस न्यू घर के अंदर भाई एक दो मेहमान भी आ रखे हैं और सब लोग आराम से बैठे हैं। तो गाइज हमारा जो ये ट्रांसपेरेंट हाउस है ना, इसका सबसे ज्यादा जो मजा है ना मेरे को और हम सबको अब आ रहा है क्योंकि भाई ऊपर हो रही है मस्त बारिश। भाई सुन सकते हो आप, सुनो वो देखो बारिश आ रही है भाई। तो भाई शाम का वक्त हो चुका है और भाई हमारे यहाँ पर खाने की भी तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर सब्जी बनने की तैयारी है जो ये कर रहे हैं। हाँ डालो तेल, मस्त मजा आएगा भाई। अंदर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हाउस है और यहाँ पर मस्त आलू की सब्जी और भाई पूड़ी और छाछ, मस्त आएगा आज मजा।
तो भाई बाहर आने से रहा नहीं गया मुझसे, क्योंकि यहाँ पर जो तड़का है ना वो इतना फर्स्ट क्लास लगा है कि भाई पूछो मत। और इसकी तड़के की सुगंध इतने बड़े ग्राउंड में पूरी फैल चुकी है, देखो किस तरीके से एक लाजवाब जो है सब्जी बन रही है। भाई हम लोग यहाँ पर बैठे थे भाई, अचानक इतना बड़ा भाई, देखो ये कैमरे में छोटा लग रहा होगा, कंपेयर कर कितना इससे बड़ा हाँ, इससे कंपेयर करो, देखो ये भाई कितना बड़ा जानवर यहाँ पर आ चुका है। खा जाएगा बाहर निकल, अरे हट जा, खा जाएगा भाई, जाने दो भाई, ये क्या है यार इतना बड़ा कीड़ा। भाई हम लोग यहाँ पर बैठे ही थे, अचानक मेरी नजर इसके ऊपर पड़ी तो भाई ये मस्ती से आ रहा था, अगर भाई खा जाता ना, सांप की मौसी बोलते हैं इसको, वही पता नहीं कौन से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इसके आने के बाद। ये पता है क्यों आया है? हमने ये बनाया ना तब ये आसपास घूम रहा था और इसको लुक देना था भाई, ट्रांसप्लांट हाउस का। अरे भाई ध्यान रखना वापस आ जाए घर के अंदर। हाँ यार लेकिन भाई अभी देखो हवा खूब चल रही है और हमारा जो ट्रांसप्लांट हाउस है ना वो भी थोड़ा थोड़ा आवाज करने लग गया है भाई, बारिश आ सकती है किसी भी वक्त, कुछ भी हो सकता है भाई इस घर के अंदर। तो भाई रात हो चुकी है और हमारी जो सब्जी है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यहाँ पर भाई राजस्थानी भाषा के अंदर पूड़ियाँ जो है वो अब निकालने का टाइम हो चुका है। तो भाई सब्जी इतनी बनी है, इसको हम रख देते हैं साइड में और लगा देते हैं उसके बाद में ढक्कन। हेलो भाई साहब कितना टाइम है और? बस 15-20 मिनट बस। बस भूख तेज लगी यार, जल्दी जल्दी और क्या माल मसाला है, और देख लो माल ही माल है। अरे वाह, तो भाई 10 मिनट के अंदर अब खाना तैयार है। तो भाई टाइम जो है 9:05 हो चुके हैं भाई, अक्सर 8-8:30 बजे खाना खा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग खाना बनते हुए देख रहे हैं ना तो भाई जो हमारी भूख है ना वो और भी ज़्यादा हो रही है। तो जो भाई पूड़ियाँ हैं वो गर्मा गर्म कचौरी की तरह निकल रही है, आप लोग भी वहाँ देख सकते हो। खुला आसमान भी है, बंद आसमान भी है, दोनों है। अब भाई यहाँ बैठकर हम लोग खाएंगे खाना, आ जाओ भाई आ जाओ। तो भाई पहली बार हम लोग पूड़ियाँ और सब्जी खाने वाले, क्योंकि भाई हमने आज से आज तक मैगी बनाई है, रोटी बनाई है, लेकिन भाई पूड़ियाँ और सब्जी हमने नहीं बनाई है। और भाई आज देखते हैं एक स्पेशलिस्ट से बनाने वाला भाई कैसा टेस्ट रहता है, क्या माहौल रहता है। नया घर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट घर है, अब इसके अंदर बहुत मजा आने वाला है बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे इस घर के अंदर भाई हम आर पार भी देख सकते हैं, लेकिन अभी रात का माहौल है, लेकिन बिजलियाँ जो है ना उस साइड से कड़क रही है और हमें साफ साफ नजर आ रहा है यार उस साइड से बारिश भी आ सकती है। और भाई जो हमारा घर है वो देखते हैं सरवाइव कर पाता है या फिर नहीं। बारिश आनी चाहिए भाई, बारिश आनी चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा ट्रांसपेरेंट हाउस का। ऊपर बूंदे गिरेगी, हम नीचे बैठे रहेंगे, ऊपर से बूंदे दिखेगी, लेकिन सरवाइव करेगा या फिर नहीं करेगा वो तो बारिश आने के बाद ही पता चल देगा। और अब खाते हैं खाना। तो भाई मैंने तो जो है खाना स्टार्ट कर दिया कैमरा ऑन होने से पहले। आलू की जो सब्जी है ना सच में इतनी टेस्टी बनी है, लाजवाब बनी है। और अब मैं टेस्ट करता हूँ इस गुलाब जामुन को। बढ़िया है, गजब गजब सच में भाई। पहली बार जो है ना वो इतने बड़े ट्रांसपेरेंट हाउस के अंदर हम खाना खा रहे हैं भाई, आगे किसी ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, इतना ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ बाहर दिख सकता है और हम अंदर खाना खा रहे हैं भाई। भाई लाइन टू लाइन हम लोग सभी लोग खाना खा रहे हैं, ऐसा फील आ रहा है कि भाई जैसे हम लोग लंगर के अंदर आ रखे हैं और भाई फर्स्ट क्लास कोई शादी या ब्याह के अंदर खाना खाते हैं, उसी प्रकार की फील आ रही है भाई। मस्त मजा आ रहा है, ये गुलाब जामुन, ये ट्रांसपेरेंट हाउस। ओहो हो भाई साहब ये वापस आ गया भाई, ये इतना बड़ा जो भाई फिड़कला है वापस आ गया। और ये क्या है? अरे अब तूने उसको बाहर निकाला था ना, ये वो है भाई, मेरे पसीने छुटवा दिए। ये क्या यार, ये
अरे वो ही क्या पहले देख 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 ऐसे देखो दंक देख मुंह फाड़ रहा है ऐसे देख भाई कोई फाड़ रहा है। अरे करीब से दिखा यार, करीब से दिखा भाई, आप देख सकते हैं इसका मुंह देखो, एक हथेली के अंदर आए, इतना बड़ा है ये। तो भाई इसको अब जो है बाहर निकाल देते हैं, ये तीन बार आ चुका है भाई, पता नहीं आज किसी को खाए गए भाई, ये पता नहीं जहरीला होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन ये हमें, अरे उल्टी हो गई, बड़ा बहुत है। तो भाई आज की जो रात है ना वो ऐसे ही निकलने वाली है, क्योंकि भाई जो जानवर है इसके अंदर काफी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भाई डर डर के हम लोगों को आज सोना पड़ेगा। और मेन बात ये है कि इस ट्रांसपेरेंट हाउस के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक लाइट चला रखी है, वो वहाँ पर है, तो उसकी एक ही वजह से पूरा का पूरा जो हाउस है वो भाई जगमगा रहा है, जैसे कि अभी दिन हो, आराम से खेल रहे हैं इसके अंदर आराम से। भाई एक गेम खेलते हैं, ये जो बोतल है ना उसको फेंकते हैं और जो भी कैच छोड़ेगा वो बीच इस ट्रांसपेरेंट हाउस के मुर्गा बनेगा। नहीं नहीं नहीं, मुर्गा बनकर चलेगा, ठीक है भाई चलेगा, ये इतना बड़ा घर है उसके चारों दीवारों पे चलेगा। हाँ फेंक, भाई इसने सही नहीं फेंका है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ये नहीं। वाह व्हाट अ कैच, आज की नाइट का पहला मुर्गा मिल चुका है इस पैसे आप लोगों के सामने, अपना नया मोटा सारा मुर्गा। कैसे बनते ऐसे बने ऐसे, अब चल चल मैं तो जी, तू चल बोतल बोतल रख, बोतल रख, गिरना नहीं चाहिए, रुक जा रुक जा, गिरना नहीं चाहिए, अगर गिरेगा तो एक लात पड़ेगी। सेकंड बार दूसरा मुर्गा उड़ गयो, दूर नहीं थी, अरे हाथ ही भाई इसके हाथों के बीच में गई है, अरे हाथ क्या की यार, एम पर चेक करा लिंग मैन, हां करवा ले, चेक करवा ले, रिव्यू 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 रिव्यू। तो गाइज फाइनली रिव्यू सिस्टम यहां पर हो चुका है, और रिव्यू के अंदर साफ साफ जो है यहां पर दिनेश आउट हो चुका है भाई। इसकी टांगे कटी हुई मुर्गे, तीसरी बार तीसरी बार। तो गाइस एक मुर्गा और मिल गया, एक मुर्गा और मिल गया, बन जा बन जा, इस बार मुर्गा नया है, ए मुर्गे के ऊपर मैं बैठूंगा अब, ठीक है भाई। चल 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 मेरी मुर्गी, बड़ाक बड़ाक बम। अरे यार अरे बच गो, जल्दी जल्दी। तीसरा मुर्गा, तीसरा मुर्गा, चल 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 दौड़। बच गया भाई, तीनों के तीनों जो है इन्होंने मेरी ला कर ली है भाई। छूट गया बन जा मुर्गा, बन जा बस। तो भाई कमाल के गेम खेलते खेलते हमें ना लगभग डेढ़ से दो घंटे हो चुके हैं, और रात के बज चुके हैं भाई डेढ़, और भाई अब टाइम है सोने का, क्योंकि यार अगर नहीं सोए तो जल्दी सुबह उठ नहीं पाएंगे और इस ट्रांसप्लांट हाउस में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सोजो आजो यार, आजो सोजो, मिलते हैं मॉर्निंग के अंदर, गुड नाइट गुड नाइट।
हर पल मेरी पाद तुम्हें तड़पाएगी, मैं मानूंगा नींद तुम्हें ना आएगी। भाई ये मजबूर कर रहा है सुबह सुबह ही। अब यार मैंने कुछ नहीं किया। रुक रुक, अब क्या गुड मॉर्निंग बोले, क्या बेड मॉर्निंग बोले? हमारी तो गुड मॉर्निंग हो गई आज की। भाई हमारे इस ट्रांसफर घर के अंदर भाई हवा तो आ रही, लेकिन भाई अंदर है ना गर्मी भी हो रही थी। तेरी वजह से हवा ज्यादा नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर हवा बाहर निकलने का कोई भी सिस्टम है नहीं। हाँ सही है, इसकी हवा अंदर ही घूम रही है। अंदर बहुत गर्मी है। तो भाई सुबह का वक्त हो चुका है, 6 बज चुकी है, और हमारा जो ट्रांसपेरेंट हाउस है ना, वो रात को भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, क्योंकि हवा आ रही थी, वैसे वैसे ये पन्नियाँ आवाज़ कर रही थी। तो भाई 6 बजे के वक्त के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर अब मौसम कैसा है, पूरा बादल से भरा हुआ है, मानसून का आवागमन हो रहा है, इसलिए धूप निकलने का अभी सुबह सुबह चांस कम ही होता है, थोड़ी देर बाद धूप निकलती है। तो गाइज टाइम जो है 9 बज चुके हैं, और अभी तक जो है बादल छाए हुए हैं। भाई जो सूरज है वो अभी आया नहीं है, क्योंकि भाई बादल आ रखे हैं इसीलिए। और अभी सुबह का जो माहौल है इस ट्रांसपेरेंट हाउस के अंदर जो है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना मस्त आलीशान लग रहा है। तो भाई अब जो है वक्त आ चुका है इस ट्रांसपेरेंट हाउस से बाहर निकलने का। तो भाई फाइनली हम लोगों का चैलेंज, और भाई हम लोगों ने इस ट्रांसपेरेंट घर के अंदर भाई बिता लिए हैं पूरे के पूरे 24 घंटे, इसी के अंदर खाना खाया, इसी के अंदर सब कुछ किया और मस्त से रहे। और भाई आप देख सकते हैं अभी भी हमारा जो ट्रांसपेरेंट हाउस है ना, वो बहुत कमाल का लग रहा है, इसको हटाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि यार भाई इसके अंदर बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और ये भाई बिल्कुल एक नंबर का लग रहा है। तो भाई खाना इसी के अंदर बनाया था आज हमने, जो सब्जी और पूड़ी बनाई थी उसी को हमने खाया, सब कुछ अलग तरीके से किया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, अंदर से बाहर देखने वाला, बाहर से अंदर देखने वाला। आपको कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ठोकना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय हिंदुस्तान।